जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले के बारे में कि आखिरकार आज मैदान पर क्या क्या हुआ और पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको मैच से जुड़ी बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज दूसरे T20 मुकाबले में राहुल चाहर ने लिया शानदार कैच, अविष्का फर्नैडो को इस तरह चतुराई भरा कैच लेकर किया आउट कि वीडियो देखने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों राहुल चाहर के इस जबरदस्त कैच का पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे दासुन सनाका, तो उस दौरान कुलदीप यादव ने कुछ इस तरह चतुराई से चटकाया उनका विकेट कि देखने के बाद वीडियो आप भी करोगे को सलाम। तो दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव का ये वीडियो भी दिखाएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के KR प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मेजबान श्रीलंका के सामने जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने 133 रनों का लक्ष्य रखा था। और इसके जवाब में श्रीलंका की टीम शुरुआत में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बताएं कि इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए, जहां पर कप्तान शिखर धवन ने 40 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। वहीं श्रीलंका के सामने जीत के लिए 133 रनों का लक्ष्य था। तो वहीं दोस्तों आज टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन को इस मैच में नया जोड़ीदार मिला, जहां पर उनके साथ ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ आए, जो कि अपना पहला T20 मुकाबला खेल रहे थे। और वहीं दोनों ने 6 ओवर के पावर प्ले में विकेट खोए 45 रन बटोरे। हालांकि अगले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंदों में 21 रन बनाकर दासुन सनाका की गेंद पर विनोद भानुका के हाथों कैच आउट हो गए। और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन अकेला धनंजय की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए, जहां पर उन्होंने 42 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। हालांकि दोस्तों इस मैच के जरिए डेब्यू करने वाले देवदत्त पडिक्कल अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए और उन्होंने 23 गेंदों में 29 रन की पारी खेलकर वह अपना विकेट गंवा बैठे, जहां उन्हें हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं संजू सैमसन 7 रन बनाकर अकेला धनंजय की गेंद पर बोल्ड आउट हुए। तो वहीं दोस्तों नीतीश राणा 9 रन की पारी और चमीरा की गेंद पर वो भी आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 132 रन बनाए। और जब 133 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो आज श्रीलंका की टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आते से ही काफी ज्यादा धमाकेदार देखने के लिए मिला। जी हां दोस्तों, दरअसल आज जब बल्लेबाजी करने के लिए अविष्का फर्नैडो और विनोद भानुका मैदान पर उतरे तो दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां एक तरफ अविष्का फर्नैडो ताबड़तोड़ चौके लगाए चले जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विनोद भानुका सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस दौरान भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चाहर के हाथों अविष्का फर्नैडो को आउट करवा दिया, जहां पर अविष्का फर्नैडो 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए थे। तो वहीं दोस्तों अविष्का फर्नैडो के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे सदीरा समारा विक्रमा, जहां पर उन्होंने 12 गेंदों में 8 रन बनाए और उनको वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड आउट किया। और यहां पर भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता सदीरा के रूप में मिली और यहां पर श्रीलंका की टीम के 39 रन पर ही 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी भी चिंता का विषय यह था कि मैदान पर अभी भी टिके हुए थे दासुन सनाका और विनोद भानुका। हालांकि दासुन सनाका का विकेट यहां पर कुलदीप यादव ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर चटकाया, जहां पर दासुन सनाका आज के इस मुकाबले में 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं विनोद भानुका मैच में बने रहे और अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश में आगे पारी खेलते रहे। हालांकि दोस्तों आज भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिली, जहां पर भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव जैसे खतरनाक खिलाड़ियों ने एक एक बड़ी सफलता हासिल करी। तो ऐसे में दोस्तों आज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में दिखाया। बाकी आपकी क्या राय भारतीय टीम के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के R प्रेमदासा
स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में श्रीलंकाई टीम के कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस तरह भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ रन बना डाले। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज भारतीय टीम को इस मैच के लिए 4 नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ा, जहां पर इस महामारी से संक्रमित हुए खिलाड़ियों को इस मैच में मौका नहीं दिया गया क्योंकि प्रमुख खिलाड़ी इस समय महामारी की वजह से आइसोलेशन में कर दिखा दिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और यहां पर इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 49 रनों की साझेदारी भी हुई। तो वहीं दोस्तों, आज के इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ जहां एक तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको 7वें ओवर की 6ठी गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका ने विनोद भानुका के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट यहां 21 रन पर गिरा और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया था। हालांकि दोस्तों, उनका साथ दे रहे शिखर धवन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और देवदत्त पड़िक्कल ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे दिखाई देगा। और वहीं ये जो 4 खिलाड़ियों ने आज डेब्यू किया, ये भी अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए हम सभी को मैदान पर दिखाएंगे। बाकी दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बारे में और आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, 11 डिग्री के करीब घुमा बॉल, मैट पार्किंसन ने फेंकी करिश्माई गेंद। जी हां दोस्तों, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में गेंदबाजों को ज्यादातर बल्लेबाजों के सामने बेबसी देखा जाता है, जहां पर T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनती जा रही है और ऐसे मौकों पर देखने के लिए मिलता है कि कोई गेंदबाज खासतौर से स्पिन गेंदबाज T20 से भी छोटे फॉर्मेट के बल्लेबाजों को परेशान करे। सही नज़ारा देखने के लिए मिला जिसकी कल्पना कम ही लोग कर सकते हैं, जहां पर मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर मैट पार्किंसन ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और खेल की शुरुआत में उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन का विकेट लिया और उसके बाद मानो वो अनफ्लेमेबल हो गए और उन्होंने 3 और विकेट चटकाए। तो इसमें दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को रात 8 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला था, लेकिन दोस्तों इस मैच से ठीक पहले ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने निकल कर आ गई थी। गया था कि अब दूसरा मुकाबला 28 जुलाई यानी कि बुधवार को खेला जाएगा, लेकिन ये मैच कितने बजे होगा इसका ऐलान BCCI ने नहीं किया था। तो दूसरा T20 मुकाबला बिना किसी परेशानी के आज करवाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।